पसीना आना यानी कि प्रस्पिरेशन या स्वेटिंग हमारे शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। यह हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक भाग है और इसके द्वारा हमारे शरीर के कंटेमिनेशन बाहर निकल जाते हैं। पसीना अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में, एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट से और वेदर सिचुएशन में बदलता रहता है। किसी मौसम में पसीना ज्यादा आता है, किसी में कम आता है। तो यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके लिए किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मगर दिक्कत तब आती है जब आपको जरूरत से ज्यादा पसीना आए या आपको पसीना ही ना आए। इन दोनों स्थितियों में इसे एबनॉर्मल या असामान्य कहा जाना चाहिए। अब पसीना होता क्या है? पसीना दरअसल हमारे शरीर के भीतर के तनाव, शारीरिक श्रम और बाहरी तापमान पर निर्भर करता है। और यदि इसमें उतार चढ़ाव हो, बदलाव हो, तो आपको पसीना निकलने की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। दरअसल हमारी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो शरीर का हिस्सा पूरा कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए पसीना बहाती हैं, जिससे शरीर के अन्य भागों में टेम्परेचर एक समान रहे, ना वो ज्यादा बढ़े ना ज्यादा कम हो। तो यह एक थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मल एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस है। यदि आप वर्कआउट करते हैं या बाहर का तापमान, पसीना हमारे शरीर में प्रमुख रूप से बगल में, चेहरे पर, हथेलियों और हमारे सोल पर सबसे अधिक निकलता है। मगर असामान्य स्थिति में यह शरीर के अन्य भागों से भी निकल सकता है। अब पसीने में प्रमुख रूप से सॉल्टी इंग्रेडिएंट होते हैं, यह स्वाद में खारा होता है और हमारी भावनात्मक परिस्थितियों के बदलने पर, शारीरिक श्रम बढ़ने पर या फिर हम मानसिक या शारीरिक रूप से बहुत अधिक स्ट्रेस्ड हैं तो हमें ज्यादा पसीना आता है। तो पसीने की प्रक्रिया को शरीर की एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है, मगर इसकी एबनॉर्मलिटी बीमारी बन जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि करीब हाइपरहाइड्रोसिस के कई प्रकार होते हैं। इसमें जो प्रथम प्रकार है उसे प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है, जिसके अंदर में मनुष्य को कोई बीमारी नहीं होती पर उसके बावजूद भी उसे अत्यधिक पसीना आता है। इसकी वजह जेनेटिक हो सकती है, हेरिडिटरी हो सकती है या बचपन से ही आपको कुछ ऐसे तंत्रिका के विकार हो, नर्व्स के, कि जिसके वजह से ये नर्व्स हमारी स्किन को एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजती हैं, मैसेज भेजती हैं, जिसके वजह से वो एक्साइट हो जाती हैं और ज्यादा अमाउंट में पसीना बहाने लग जाती हैं। तो इस प्रकार के हाइपरहाइड्रोसिस को किसी कारण की वजह से नहीं जाना जाता है, यह केवल कुछ मनुष्यों में जन्मजात। दूसरे प्रकार का हाइपरहाइड्रोसिस, जिसे सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है, वह दरअसल शरीर में छिपी किसी बीमारी का कारण होता है या बीमारी की वजह से होता है, जैसे कि डायबिटीज या फिर शुगर का एकदम से कम हो जाना, सामान्य से कम हो जाना, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। उसी तरह मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में हॉट फ्लैशेस आते हैं, उससे उन्हें बहुत गर्मी और पसीना आता है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स में भी यह बीमारी देखी गई है। इसके अलावा थायराइड की बीमारी या हार्ट अटैक या कुछ नर्वस डिसऑर्डर, इनमें भी हाइपरहाइड्रोसिस एक लक्षण हो सकता है। अब बात करेंगे महिलाओं में ज्यादा पसीना आने की। दरअसल महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम मात्रा में पसीना आता है, पर कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें महिलाओं को भी अत्यधिक पसीना आता है।
इसमें जैसा कि पहले भी बताया गया है कि मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है। नॉक्टर्नल हाइपरहाइड्रोसिस, जिसमें रात को सोते वक्त ब्लड शुगर एकाएकी कम हो जाने से पसीना आ सकता है। उसके बाद थायराइड डिसीज से पसीना ज्यादा आता है, खासकर हाइपरथायरॉयडिज्म में, जिसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। गर्भावस्था में निकल सकता है पसीना अधिक मात्रा में। उसी तरह हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, इनसे भी महिलाओं को बहुत पसीना आ जाता है। आमतौर पर जिनको अधिक पसीना आता है वह भी इसे एक सामान्य बात समझकर कोई डॉक्टरी सलाह लेना नहीं चाहते, या उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये अधिक पसीना आने की भी एक बीमारी है। मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपको डॉक्टरी सलाह अवश्य लेना चाहिए, जैसे कि यदि आपको सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, जी मिचलाता है, तो आप अवश्य डॉक्टर के पास जाएं ताकि पता लगे कि यह केवल हाइपरहाइड्रोसिस है या यह सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस है, जिसमें आपको कोई अन्य छुपी हुई बीमारी है और हाइपरहाइड्रोसिस के माध्यम से वह अपने आप को इंडिकेट कर रही है। उसी तरह रात में बिना वजह पसीना आना या फिर पसीना आने के वजह से आपका सामाजिक जीवन नष्ट होना, या लोगों में उठने बैठने में आपको शर्म महसूस होना, या लोगों को खुद को आपके पास बैठने में हिचक महसूस हो, या फिर ठंड में भी, कम तापमान में भी आपको बहुत ज्यादा पसीना आए, तो यह एक बीमारी का लक्षण है और इसका डॉक्टरी उपचार होना जरूरी है, वरना यह आगे चलकर घातक रूप भी ले सकती है। क्या हाइपरहाइड्रोसिस का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं? तो प्रमुखता से तीन टेस्ट डॉक्टर करवाने की सलाह देते हैं, जिसमें एक होता है आयोडीन स्टार्च टेस्ट, दूसरा थर्मोरेगुलेटरी टेस्ट, और तीसरा जो टेस्ट है उसमें आपके ब्लड, यूरिन, इनकी टेस्ट की जाती है और उसमें पता लगाया जाता है कि क्या आपको कोई अन्य बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, कैंसर या उस तरह की दूसरी बीमारियां हैं जिसमें हाइपरहाइड्रोसिस होता है। इसी के अलावा थर्मल कंडक्शन नाम की एक बीमारी होती है, स्किन सेंसिटिविटी की बीमारी होती है, जिसमें स्किन की जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करके पता लगाया जाता है कि वे क्या अधिक एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और उससे भी बीमारी। अब यह कैसे पता लगे कि आपको हाइपरहाइड्रोसिस है और आपको डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए? तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिसके वजह से उनके कपड़े तक भीग जाते हैं, बाहर का तापमान ठंडा हो या रात का समय हो, नींद में हो, और उसके बावजूद भी आपको बहुत ज्यादा पसीना आए जो आपको नींद से जगा दे, या फिर आपके पसीने की दुर्गंध आपको खुद को महसूस होने लगे, तो ये सभी स्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपको डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि यह हाइपरहाइड्रोसिस की एक्सट्रीम स्थिति को दिखाता है। और कई लोगों को यह लगता है कि उम्र के साथ साथ में यह बीमारी कम हो जाएगी, अपने आप ही ठीक होगी। यह टीनेजर्स में ज्यादा दिखाई देती है, यंगस्टर में ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उसमें हार्मोन